गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 8 का पार्ट 1 स्टोरी, जो पिक्चर स्टोरी था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब उसी चैप्टर में पार्ट 2, इस चैप्टर में दो पोएम दिया है, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँ। फर्स्ट वन, किड़ी हाथी के हाथी हशे, उसमें आगे जानी साथे दोस्ती मारे, जानी साथे दोस्ती मारे, पानी साथे दोस्ती। अब ये पोयम पूरे अपने नेचर के ऊपर है। जो पोएट है सुरेश दलाल, उसने ये पोयम पूरे नेचर को एक्सप्लेन करते हुए बनाया है। किसके साथ दोस्ती? जानी साथे दोस्ती मारे, पानी साथे दोस्ती। माने ट्री के साथ भी मेरी फ्रेंडशिप है, माने ट्री भी मुझे अच्छा लगता है, और ट्री का पान, पान माने पत्ता, वो भी मुझे अच्छा लगता है, वो भी मेरा फ्रेंड है, वो भी मेरे इतने करीब है। वैसे हरिया भरिया पंखियों ना गाड़ी साथ में हमारी दोस्ती। हरिया भरिया माने बहुत सारे पंखियों, पंखियों माने बर्ड्स, पंखियों माने बर्ड्स। गाड़ी गान माने गाना, तो पंखी माने बर्ड्स जो बोलते हैं, वो आवाज जो निकालते हैं, वो एक सुंदर अच्छे से गाने जैसा लगता है, कोई मधुर आवाज से गा रहा है ऐसा लगता है, तो वो गाने के साथ मेरी दोस्ती। दरिया साथे दोस्ती माने कांटा साथे दोस्ती, दरियो माने समुद्र, सी दरियो माने समुद्र, सी। तो दरिया के साथ भी मेरी दोस्ती, माने ये जो समुद्र है इतना फैला हुआ, जो उसमें पानी के मोजे उछल रहे, वो भी मुझे बहुत प्यारा है। माने भगवान का बनाया हुआ जो नेचर है वो मुझे बहुत प्यारा है। अब कांटा साथे दोस्ती, कांटा माने जो सी के साइड में एरिया है उसको क्या बोलते गुजराती में? कांठा। वो कांठा के साथ भी दोस्ती, तो उसके साथ भी मेरी फ्रेंडशिप है। माने जो बहता हुआ पानी है, जो समुद्र में उछलता हुआ पानी है, वो खत्म होने के बाद अपन मांडवी जाते हैं, सी बीच पे जाते हैं, तो बीच की जो एरिया है, बीच का एरिया, उसको क्या बोलते हैं? कांठा। तो वो बीच के साथ भी मेरी दोस्ती है। गड़िया गड़िया श्रेणी होना, श्रेणी होना साठा साथे मेरी दोस्ती। आपने गन्ना खाया होगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं गन्ने को गुजराती में? शेरडी। क्या बोलते हैं? शेरडी। तो गन्ने के साथ भी मेरी दोस्ती। अब वो गन्ने का टेस्ट ही कैसा होता है? मीठा मीठा। कैसा होता है? मीठा। उसमें से शुगर बनती है ना, वो वाला। तो गड़िया मीठा माने गड़िया। तो गड़िया गड़िया श्रेणी होना साठा साथे मेरी दोस्ती। माने जो खेतों में लहर आ रहे हैं, गन्ने उगे हुए हैं, वो मीठे मीठे एकदम, गड़िया गड़िया माने मीठे मीठे, जो मीठे मीठे गन्ने उगे हैं उसके साथ भी मेरी दोस्ती। माने वो भी मुझे इतने ही पसंद है। केरन साथ है मारी दोस्ती। केरन माने जो अपन गेम खेलते हैं केरन की, उसके साथ मारी दोस्ती। केड़ी कोड़ी साथ है मारी दोस्ती। कोड़ी देखी आपने? कोड़ी माने उसको क्या बोलते हैं, ये जो बीच पे आपको मिलता है शेर, वो क्या है? कोड़ी माने शेर। उसके साथ भी दोस्ती। माने मैं जो नेचर में से जो गिफ्ट मिल रहा है, जो शेर मिल रहा है, उससे भी मैं खेलता हूँ। माने नेचर को जो जो हमें दिया है वो भी मुझे बहुत प्यारा है, उससे भी मैं खेलते उससे भी आनंद लेता हूँ। रंग रंग ना कागड़ की होड़ी साथ हमारी दोस्ती। अलग अलग कलर की बोट बनाता हो उसके साथ भी मेरी दोस्ती। मम्मी साथ हमारे दोस्ती, माने मम्मी के साथ भी मेरी दोस्ती है। और पापा साथ हमारी दोस्ती, माने मम्मी और पापा दोनों के साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतने अच्छा प्यार से मैं उसके साथ रहता हूँ, उनके साथ भी फ्रेंडशिप है मेरी। ऐसे सौथी मारा बढ़िया बढ़िया गप्पा साथ हमारी दोस्ती। माने जो मैं हर बार गप्पा मारता हूँ ना, आप भी कभी गप्पे लगाते हो ना, उसके साथ भी मेरी दोस्ती। मारा गड़िया गड़िया गप्पा माने मीठे मीठे, जो गड़िया गड़िया माने मीठे मीठे, जो सबको अच्छे लगे वैसे जो गप्पे मारता हूँ उसके साथ भी मेरी दोस्ती। आप सब भी ऐसा करते हो ना। ये किसने लिखी है पोयम? सुरेश दलाल। पोएम कौन है? सुरेश दलाल। ये पूरी पोयम में पेड़ पत्ते बर्ड्स, फिर समुद्र, फिर गन्ना, वो सब को
नेचर की जो चीजें हैं उसके साथ दोस्ती। माने वो पोएट क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहे हैं कि जो भगवान ने दिया हुआ है, जो नेचर है, उसके साथ फ्रेंडशिप करो और उसको केयर करो, उसका यूज करो। कोड़ी से मारे दोस्ती, माने जो नेचर ने शेयर दिया उसके साथ फ्रेंडशिप की, उसके साथ खेले, पर उसको खराब नहीं करो, उसको संभालो, ऐसे उसकी केयर करो। नाउ पेज नंबर 119 पे ये पोयम थी। अब पेज नंबर 129, पेज नंबर 129 पे दूसरी पोयम है चित्र गयो बदलाय। चित्र माने पिक्चर, चित्र गयो बदलाय। एक दिवस पिछी लेके रामो का चित्र बाटे। एक दिन पिछी, पिछी माने ब्रश, जो अपन कलर में यूज करते ना, ब्रश आप वाटर कलर करते हो, ऑयल पेस्टल कलर करते हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हो, ब्रश यूज करते हो, उसको क्या बोलते हैं, पिच्छी। एक दिवस पिच्छी लेके रामो के चित्र बनाया, चित्र रामा ने ड्रॉ कर दिया, चित्र रामा ने ड्रॉ कर दिया। तो ब्रश लेके एक दिन रामो कुछ ड्रॉ कर रहे बैठा। क्या ड्रॉ कर रहे बैठा? सरस मजा का रंग भरे में करे नजर को है जो अच्छे से कलर लेके ब्रश में वो रंग भरने बैठा। अच्छे से ब्रश लेके वो रंग भरने बैठा। तो क्या रंग भरने बैठा? सरस मजा का रंग भरे में करे नजर को है जो थोड़ी बार बाद ये रंग जुए में घड़ी जुए हटा। हेठो माने नीचे, हेठो माने नीचे, नीचे की साइड पे वो कलर करने बैठा। अब पेज नंबर 129 पे ये पोयम दिया था। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 130, उसमें आगे पिक्चर दिया है। चित्र रूप क्या है ने की दू आप सांझ में दोरी दी दू। अब उसने क्या किया, ये ब्रश को कलर में डिप करके स्काई को देखते देखते पूरा पिक्चर ड्रॉ कर दिया। कैसा कलर बनाया? सांझ में चित्र, शाम का पिक्चर बनाया। जो शाम के टाइम स्काई के कलर है वो उसने अपने पेपर पे बना दिए। पिच्छी मुक्की ने बाजू में का बधू सब कोरी। अब उसने स्काई को देख के पूरा पिक्चर बना लिया, उसमें कलर भर दिए सारे। शाम के टाइम पे कैसे कलर होते, हल्का सा ऑरेंज, हल्का येलो और स्काई ब्लू कलर, ऐसा स्काई का कलर दिखता है ना, वो सारे कलर उसने देख देख के बुक में पेपर पे भर दिया। और फिर अपना ब्रश कलर सब संकोरी विधि, संकोरी विधि माने समेट लेना। आप अपना काम कंप्लीट करके सब कुछ समेट लेते हो ना, तो वाइंड अप कर लेते हो, समेट लेते हो, तो मम्मी डांटेंगे बना तो बोलेंगे कि ये क्या सारा मिलाया है, अभी सब वाइंड अप करो, सब सबको समेट लो। उसको गुजराती में क्या बोलते हैं, संकोर, क्या बोलते हैं, संकोर, सब कुछ समेट लिया। ने एवा माँ पड़ी गई रात, पड़ी गई रंग गया क्या उड़ी, एवा माँ रात पड़ी गई। अब समय तो अपना काम करता है। शाम के टाइम पे रामू ने स्काई का कलर देख के पूरा कलर अच्छे से पिक्चर में भर दिया। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद तो रात हो जाएगी, तो रात में आकाश का कलर चेंज हो जाएगा ना, वैसा ही कलर नहीं रहेगा, उसमें सनसेट हो जाएगा तो ऑरेंज कलर चला जाएगा, येलो कलर चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, रात का अंधेरा। तो रात पड़ी में रंग गया उड़ी, जो स्काई में कलर कलर दिख रहा था वो सारे चले गए। रामू ने रंग श्याम ने आग दी डबोई। अब रामू ने श्याम रंग, श्याम रंग माने श्याम किसका नाम है, कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण भगवान का कलर कैसा है, हल्का सा काला है, तो उसने क्या किया, श्याम रंग हल्का सा काला कलर लेके आग दू ढबोरी, जो उसने कलर किए थे शाम के उसके ऊपर काला कलर कर दिया, ग्रेश कलर कर दिया, रात का कलर कर दिया। क्या तो दिन प्रियंकरियों ने दिखा टक टक तारा। तब जब उसने पूरे पेपर पे काला कलर कर दिया, श्याम रंग भर दिया, तब उसने स्काई पे क्या लिखा, चंद्रमा। चांदनियों माने, चांदनियों माने चंद्रमा। स्काई में क्या दिखा, चंद्रमा दिखा, और साथ में क्या दिखा, टप टप तारा। टप टप तारा माने स्टार्स, तारे दिखे। रामो एक पीछा, रामो एक पाच
चंपक पीछी थी जिधर यह चमकारा। अब ब्राह्मण ने क्या किया, शाम के कलर के ऊपर रात का कलर भर दिया और उसमें चंद्रमा स्टार्स सब चमचमाते हुए सुंदर से उसने उसमें बना दिया। क्या छोड़ी गई सवार, आपको चित्र गयो बदला। तब तक तो सुबह हो गई और सुबह आप माने आकाश, आकाश का चित्र बदल गया। अब देखो शाम के टाइम पे स्काई का कलर अलग होता है, रात के टाइम पे स्काई का कलर अलग होता है, सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है तो उसका कलर उसका ब्राइटनेस पूरे स्काई में भर जाता है तो उसका कलर अलग हो जाता है ना। तो वो क्या बोल रहा है, त्याग छोड़ी थी समय, ये रात का पिक्चर ड्रो करते करते स्टार मून ये सब बनाते बनाते सुबह हो गई तो आप वो चित्र नहीं बदला, आप माने आकाश, तो आकाश का तो चित्र चेंज हो गया। जैसे शाम का चित्र था वैसे रात में नहीं रहा और रात का चित्र सुबह में नहीं रहा। पक्की तरह करता गाना तेज तक गयो पतराए। अब सुबह हो गई तो सारे बर्ड उठ गए, उठ के वो तो अपनी आवाज में चहचहाने लगते ना तो उसको क्या बोलते कलरव, पक्षियों लो कलरव, कलरव करने लगे गाना करने लगे और सूरज का पूरा तेज स्काई में फैल गया। राम तो मुंझायो, मुंझायो माने को तो टेंशन भी आ गया कि मैंने तो शाम का चित्र बनाया स्काई का तो वो कलर चेंज हो गया, मैंने रात का पिक्चर बनाया वो कलर चेंज हो गया। अब क्या हुआ, सुबह हो गई, रामो मुंझायो बैठो के एक कलर चित्र हो। अब आप देखना शाम के टाइम में कैसा कलर होता है, ऑरेंज येलो स्काई ब्लू तो वो लाइट कलर से सारे हल्का हल्का ऑरेंज हल्का येलो स्काई ब्लू लाइट कलर वो सारे पिक्चर में लाइट कलर बने। अब उसके बाद जब रात हुई तो रामो ने क्या किया, उसमें डार्क ब्लैक कलर, तो लाइट कलर के ऊपर ब्लैक कलर चढ़ सकता है, लाइट कलर पे आप ब्लैक कलर डार्क कलर कर सकते हो। अब रात में से वापस सुबह हुई तो सुबह होते ही आकाश में क्या हो जाता है, उजाला, सूरज आने से उजाला हो जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा, सूरज का पूरा स्काई एकदम शाइन करने लगे तो वो कलर तो लाइट होते ना तो अब ब्लैक के ऊपर वो लाइट कलर कैसे करे। तो राम तो सोचने पड़ गए अब करूँ कैसे, सायंज ऊपर तो रात करी पर अजवाड़ो क्या करूं, शाम के टाइम पे तो रात बना ली अब रात पे सुबह कैसे बनाऊ, डार्क पे वापस लाइट कैसे करो, तो वो तो सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, ये डार्क पे से लाइट कैसे करूं ऐसे। तो ये पूरा पोयम आपको रात और दिन और शाम माने टाइम से हर एक टाइम पे भगवान ने स्काई का कलर अलग भरे। देखो शाम के टाइम भगवान ने कैसे स्काई का कलर है, रात के टाइम में कैसे भगवान ने कलर भरे, सुबह के टाइम में दिन में तो वो अलग अलग कलर है। रामू सोच रहा है कि मैं ऐसे कलर कैसे भरूं, भगवान तो अपने आकाश में अलग अलग कलर आसानी से भर देता, मैं पिक्चर में पेपर पे ये बना नहीं सकता। मैंने आपको दोनों को एक्सप्लेन कर दी, पार्ट वन में आपको पिक्चर स्टोरी एक्सप्लेन करी थी, पार्ट टू में पोएम एक्सप्लेन करी। अब पीडीएफ भेजो की क्वेश्चन आंसर ब्लैंक्स समानार्थी शब्द ये सब की तो वो आपको आपकी नोटबुक में अच्छे राइटिंग से लिखना। ओके थैंक यू, टेक केयर।